सर, बेतिया में जो 16 व्यक्ति का मौत हुआ है शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई हैं, तो इस घटना के लिए सर आप किसको ये मानते हैं, दोषी मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, शराबबंदी तो सिर्फ बिहार के संघी शासक का फैसला था। शराबबंदी तो न कल था, न आज है, न भविष्य में होने की संभावना है। शराबबंदी एक व्यक्ति के द्वारा सनक में लिया गया फैसला था, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसके कारण बिहार में माफियाओं का पूर्ण जन्म हुआ, और जहरीली शराब से नित प्रतिदिन घटनाएं घट रही है। आपके मीडिया चैनल के माध्यम में नहीं आ रहा हो, जब यह संख्या बढ़ कर करके 25 हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है, तो एक छोटे से कॉलम में छापा जाता है, सरकार के चेहरे को बचाने का काम किया जाता है। जबकि शराबबंदी में बिहार सरकार के तमाम अफसर, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, ये सारे लोग जो हैं वो शराब का सप्लायर के रूप में आज के डेट में काम करते हैं। और सरकार तो बेचारा की स्थिति में है। एक पावरलेस मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और शराबबंदी जो है इनका एक बहुत ही सनकी फैसला था, और ये सारे बिहारवासी इसके परिणाम भुगत रहे हैं। और बेवजह का आज शराब पीने के जुर्म में मीडियम परिवार या एकदम निम्न परिवार को 6 लाख मुकदमा से नीचे डाल दिया गया है। आज उस परिवार की क्या स्थिति है उसको देखा जा सकता है। इसलिए हम लोग इसका सबसे पहले कि ये जांच होनी चाहिए, जितने भी पीड़ित परिवार हैं उसको जो मुआवजा की राशि है वो सरकार भुगतान करे, और शराबबंदी में जितने भी लिप्त पदाधिकारी हैं या जितने भी जहरीली शराब कांड में माफिया लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। की पोस्टिंग होती है करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के, थाना ही बिक जाता है। अब बताइए, जब थाना बिक रहा है सिर्फ शराबबंदी के चलते थाना बिकता है, पहले थाना बिकता है तो वहां थानेदार जाता है, पहले उसको एडवांस में 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है तब उसको थाना मिलता है। तो अब सीधे सीधे जहां पर ये दलाली हो रही है, थाना बेचने की दलाली हो रही है, तो वहां पे आप जहरीली शराब से मरने की बात आप कर रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री है? इसके लिए तो कोई जिम्मेवार है नहीं, जो स्टेयरिंग सीट पर बैठा हुआ है स्वाभाविक रूप से वो जिम्मेवार है। आगाज इंडिया फाउंडेशन चीफ विकास ज्योति,